हम लोगों ने ये यात्रा जैसा बताया कालका विधानसभा से शुरू की थी। 18 अगस्त को मित्रों आज हम लोग प्रैक्टिकल यात्रा के तो 15 दिन पूरे कर चुके हैं, लेकिन बीच बीच में सरकारी काम के लिए 4 दिन चंडीगढ़ भी जाना पड़ा, तो कुल मिलाकर 19 दिन, कल और परसों मिलाकर के 21 दिन की यात्रा हो जाएगी। और भाई बहनों, इस यात्रा के बारे में संगठन के लोगों ने जब कल्पना की तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि प्रदेश की सरकार 2014 से 2019 तक 5 साल हो गए हैं और 5 साल में ये राउंड रथ यात्रा के मिलाकर मेरे 5 राउंड पूरे प्रदेश के हो गए हैं। और कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने लगातार सिस्टमेटिक ढंग से आज तक हरियाणा में 5 राउंड कभी किए होंगे, ऐसा कोई लगता नहीं है। तो भाई बहनों, ये 5वां राउंड मेरा जनता से भी मिलना, कार्यकर्ताओं से भी मिलना, क्योंकि लोकतंत्र में जब चुनाव आता है निश्चित रूप से उस समय जनसंपर्क, जनता से संवाद, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी है, हमारा फर्ज है, ये हमको करना है। और साथ साथ ये भी मैं आगे की योजना बता दूं कि चुनाव 15 अक्टूबर के आसपास होंगे, 15 सितंबर के आसपास आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव प्रचार का अभियान आखिरी 15 दिनों में चलता है, मेरा प्रयत्न रहेगा कि उन आखिरी 15 दिनों में भी एक राउंड हरियाणा का फिर मेरा हो जाए ताकि जनता को जाकर के स्पष्ट। हमको लोग पूछते हैं वातावरण तो बड़ा अच्छा है, फिर भी आप क्यों घूम रहे हैं? हमने कहा देखिए, ये जो 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता है ना, ये मेरा परिवार है, मुझे अपने परिवार के लोगों में बार बार जाने में क्यों मुझे रोकते हो, मुझे जाना ही चाहिए, परिवार के लोगों का सुख दुख मुझे पूछना चाहिए। 5 साल पहले जब हमने राज करना शुरू किया था तो कुछ विपक्षी नेताओं ने, कुछ राजनीतिक पंडितों ने, नए नए लोगों ने ये कहना शुरू किया कि ये राज कैसे करेंगे, इनको तो कोई अनुभव ही नहीं है, बिना अनुभव के आ गए हैं, ज्यादा दिन सरकार चलेगी नहीं, किसी ने 6 महीने लिमिट तय कर दी, किसी ने 1 साल लिमिट तय कर दी, किसी ने बहुत ही बहुत हमारे ऊपर कृपा की तो उन्होंने 2 साल भी तय कर दी कि 2 साल से आगे तो नहीं चलेंगे। ये विपक्ष के लोग रोजाना रात को मुंह धो के सोते थे कि सवेरे उठते ही शायद बिल्ली के भाग से चीका टूट जाए, हमारे मुंह में गिर जाए, इस प्रकार की बातें इनको विचार आती थी। कहते थे इनका अनुभव नहीं है। हम कहते थे देखिए, जैसी सरकारें आपने चलाई है वैसा अनुभव तो हमारा नहीं है। आपके राज करने का मतलब क्या होता था? राज सत्ता को भोगना, यानी उसका लाभ कैसे अपने लिए उठाए, अपने परिवार के लिए उठाए, अपने रिश्तेदारों के लिए उठाए, दूर के रिश्तेदारों के लिए उठाए, फिर अपने निकट के जो कार्यकर्ता संबंधी पार्टी इनके घर कैसे भरे, ये था उनका राजी करने का तरीका। उसके लिए चाहे नियम तोड़ने पड़े नियम तोड़ेंगे, भ्रष्टाचार करना पड़े भ्रष्टाचार करेंगे, नई पॉलिसी बनाए नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी तो वो बनाएंगे, कैसे कैसे खेल खेलते थे। एक उदाहरण देता हूं मैं आपको, इन लोगों ने बड़े बड़े नगरों में, भाइयों बहनों, हम लोगों ने ये जो भ्रष्टाचार रूपी जो खेल चल रहे थे, मैं उदाहरण दे रहा था कि जमीनों के घोटाले कैसे कैसे होते थे। एक इन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम अफोर्डेबल हाउसिंग की पॉलिसी, जिसमें सस्ते मकान और जिसकी मांग बहुत ज्यादा है, जिसका प्रीमियम भी है, देंगे, जो पहले आएगा उसको देंगे, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब इस पॉलिसी में जिनको लाइसेंस देना होता था उनको महीना भर पहले बता दिया जाता था कि फ्लैट डेट को इस पॉलिसी को अनाउंस करेंगे, आप पहले से अपने ड्राफ्ट बनवा के फार्म भर के रख लो, जब पॉलिसी खोलेंगे उस दिन जो सबसे पहले आके जमा कराएगा वो 5 एकड़ के लाइसेंस दे जाएगा, उसके बाद बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए का लाभ
इस पॉलिसी में से बहुत अपने लोगों को देना होगा। हमने आते ही इस पॉलिसी को बंद कर दिया। एचसीएस की नौकरियों में मुख्यमंत्री के पास एक फाइल आती थी, ये जो अध्यापकों में से या क्लर्क लेवल में से हर डिपार्टमेंट के दो दो लोगों को नीचे से ढूंढ के भेजते थे, दो नाम भेज दो, सब नीचे से जैसे खेल होते थे, हर कोई अपने सभी तरीके से दो नाम भिजवा देता था। और ऐसे 40-50 नाम मुख्यमंत्री के पास आते थे, मुख्यमंत्री कहते इस पर टिक कर दो किस किस को एचसीएस बनाना है। लेकिन ये खेल क्या होता है, मुख्यमंत्री ही अगर ये खेल खेलेगा तो एक एक एचसीएस जब हमने पुराना पता किया तो 20 लाख 30 लाख 50 लाख 1 करोड़ यहाँ तक एचसीएस की नौकरियां बिकी। इन काले धंधों में एक मुख्यमंत्री जो बहुत निकटता संबंध रखता अपने जिले से, इसी जिले का पूर्व मुख्यमंत्री 10 साल की देर इसी तरीके से भुगत रहा है। क्यों भुगत रहा है, पता लगा रिजल्ट बन के आया और अलमारी में रख दिया गया, अधिकारी ने तो अपने तरीके से जो चाबी निकाली थी लगा के चला गया, बाद में उस अलमारी को पीछे से काटा जाता है, काट करके और उन फार्मों को जो परीक्षा पत्र लिखे हुए थे उनको बदला जाता है, बदल करके फिर रखा जाता है, अलमारी को गर्ल बाग में चिपका दिया जाता है। और अधिकारी कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जिस अधिकारी को यह सब पता था उसने जाके शिकायत कर दी। अलग बात है कि वो भी अलग अंदर है, वो आईएएस अधिकारी भी अंदर है, और ये मुख्यमंत्री इसका बेटा दोनों उसी केस के अंदर है जिसमें जेबीटी की इस प्रकार के फ्रॉड की भर्ती की गई। भाई बहनों, इस प्रदेश के साथ खिलवाड़ होते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार ने किए चाहे इंडियन नेशनल दल की सरकार ने किए। दुर्भाग्य हमारा ये है कि हरियाणा की जनता को 48 साल तक एक साफ सुथरी सरकार मिली नहीं। मैं बधाई देता हूं जनता को कि 2014 में सब लोग सजग हुए और इस भ्रष्टाचार को, कैंसर रूपी जो भ्रष्टाचार, इसको खत्म करने के लिए पहली बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आप लोगों ने बनवाई, इसके लिए आपको बहुत बधाई। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूँ, नशाखोरी बहुत बुरी बात है। हमारे प्रदेश का जवान, खास करके ये सिरसा जिला, ये कैथल जिला, ये नरवाना का इलाका, ये अम्बाला का बॉर्डर का इलाका, पंजाब के साथ लगता इलाका, हमारा युवा इसकी जवानी बर्बाद हो चुका है, इसका भविष्य बर्बाद हो रहा है। हमने इसके लिए पिछले दिनों में अपने इनिशिएटिव पर आसपास के 8 प्रांतों को हमने बुलाया, चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री को बुलाया, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, दिल्ली, इन लोगों को बुलाया। देखिए उत्तरी भारत में ये समस्या बहुत तेजी से फैल रही है और इस समस्या को रोकने के लिए कोई एक प्रांत अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोगों को एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनानी चाहिए, उसके लिए हमने ड्रग्स को रोकने के लिए ड्रग कंट्रोल सेक्रेटरीट बनाया है पंचकूला में, 8 प्रांतों ने मिल करके, हमारी हरियाणा की पुलिस उसमें लीड ले रही है, ज्वाइंट एक्शन कर रहे हैं, सारा डाटा जितने भी ड्रग सप्लायर हैं इनका सबका डाटा इकट्ठा कराया जा रहा है, दोनों चीजों दोनों फ्रंट पर काम कर रहे हैं, डिमांड भी कम हो सप्लाई भी कम हो, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी तो फिर इस लत के मारे हुए युवक कहीं से काम कर रहे हैं, और अगर युवकों को लत लग गई, ये नशाखोरी बंद नहीं हुई, डिमांड बढ़ गई, तो फिर जो सप्लायर उनको भी एक लालच होता है, क्योंकि ये फाइनेंशियली पैसे के हिसाब से बहुत बड़ा धंधा है और इस धंधे में बड़े बड़े एंटी नेशनल लोग, खास करके ये जो आतंकवाद के खेल खेलते हैं, ये आतंकी भी इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर से भी स्मगलिंग बहुत हो रही है, तो समस्या बड़ी है। लेकिन दो संस्थाएं, दो नौजवान इन कामों में लगे हैं, नशाबंदी के लिए हरियाणा सरकार उनका पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, कोई ब्लू प्रिंट करके लाओ, बना के लाओ, कोई रिपोर्ट बना के लाओ, कोई अपने आप को अवगत करो, हम उस प्रकार का चाहे उसको फोर्सेस चाहिए फोर्सेस देंगे, डॉक्टर चाहिए डॉक्टर देंगे, पैसे की आवश्यकता पड़ेगी पैसा देंगे, जिस प्रकार के साधन नशाबंदी के लिए हम लोग आगे आके कर सकते हैं उसके लिए हम हरियाणा सरकार के लोग तैयार हैं। आप चंडीगढ़ में किसी दिन आकर के संदेश भेज के मिल लेना।
उसके लिए प्रैक्टिकली 15 दिन का काम आज पूरा हुआ। 88 लाख सवारी आज यहाँ पूरी हो रही है। केवल 2 विधानसभा बाकी बची हैं, जुलाना और रोहतक। ये परसों 8 तारीख को सुबह रथ यात्रा लेकर के जुलाना से मैं रोहतक पहुंचूंगा। रोहतक में स्वयं प्रधानमंत्री जी हरियाणा की जनता को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। आपसे निवेदन है इसके समापन अवसर पर भी आप रोहतक पहुंचेंगे।